दोस्त, कैसे हैं आप? आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। कल नाइट और आज मॉर्निंग उनके थॉट्स आपके लिए क्या रहे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कल नाइट और आज मॉर्निंग उनके थॉट्स अपनी फेमिनाइन को लेकर, उन्हें लग रहा है कि उनकी फेमिनाइन ने उन्हें अपने दिल और दिमाग से, अपनी लाइफ से निकाल दिया है और उनके अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ने के रास्तों में बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। यहाँ कुछ डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लॉक भी किया है, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कैसे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं और रातों को भी सो नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तड़प और बेचैनी उनमें बढ़ रही है और एक खिंचाव, अट्रैक्शन उन्हें अपनी फेमिनाइन की तरफ हो रहा है। यह अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वे जी नहीं पा रहे हैं। फेमिनाइन के बिहेवियर से उन्हें लग रहा है कि उन्हें जैसे अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फेमिनाइन की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। फेमिनाइन तो सब फील कर रही है, रीडिंग आदि भी देखकर अपनी मैस्कुलाइन की एनर्जी वह जान जाती है, बट मैस्कुलाइन को कुछ भी उनके बारे में पता नहीं चल रहा है, जिस कारण दुखी हो रहे हैं कि फेमिनाइन की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। कहीं वो मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है, कहीं वह अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गई है, कहीं उनकी लाइफ में किस कोई और तो नहीं आ गया है। उन्हें जानने की क्यूरियोसिटी सी उनमें बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि उसने मुझे इस तरीके से साइड कर दिया है, बाउंड्री सेट कर दी है कि मैं अब उनसे इजीली कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो मुझे अलाउ ना करें। इस रिलेशनशिप को भी वे छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। रिग्रेट की एनर्जी में भी हैं, क्योंकि इन्होंने फेमिनाइन को छोड़कर अन्य को चूज़ किया। अब फेमिनाइन के आने का वेट कर रहे हैं, बट हमारी फेमिनाइन अंदर से तो चाहती हैं आगे बढ़ना, बट खुद को रोक दिया है, आगे नहीं बढ़ना चाहती। बहुत प्यार होने पर भी, क्योंकि वो चाहती जानती है कि मेरा ऐसा स्टेप सिर्फ मुझे पेन ही देगा, क्योंकि मैस्कुलाइन को तो सुधरना नहीं है, वही ऑन ऑफ में रखना है, कमिटमेंट नहीं देना है, थर्ड पार्टी को देखना है, सो मुझे फिर से हर्ट ही करना है। तो उस डर से भी वह आगे नहीं बढ़ रही हैं। सो ऐसी ऐसी बात सोचकर वो जो कदम आगे बढ़ाती हैं, अपने प्यार की तड़प में उसे वापस कर लेती है और वहीं रुक जाती है। हाँ, मैस्कुलाइन की तड़प, बेचैनी को वो नहीं देख पा रही है। वो जानती है कि मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पेन में है, अपनी फेमिनाइन के बिना जी नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन को वो अपनी बैकबोन मानते हैं। उन्हें लग रहा है कि जब बैकबोन ही टूट गई है तो वो कैसे जी सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, जबकि चाहत दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, एक गजब का अट्रैक्शन है, एक दूसरे की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। बट फेमिनाइन ऐसा एटीट्यूड दिखा रही है कि उन्हें लग रहा है कि अब फेमिनाइन इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इस रिश्ते में आना नहीं चाहती हैं, बस अपनी फेमिनाइन को स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उन्हीं की यादों में डूबे हुए हैं, रो रहे हैं, रातों को भी सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन के थर्ड पार्टी इशू के चलते यह रिलेशनशिप खराब हो रहा है। थर्ड पार्टी उनका काम, बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई फीमेल या कोई थर्ड पर्सन ही हो, फैमिली, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हालांकि प्यार बहुत है, बट मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हें साइड रखा, सीक्रेट रखा, और फेमिनाइन ने जब अपने लिए स्टैंड लिया तो वो भी यह चुप रहे, आगे नहीं बढ़े, अब पछता रहे हैं, क्योंकि उनके बिना जीना उन्हें बहुत ही पेन दे रहा है और अब इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, उनकी ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यह है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसे शॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन के फिर से कनेक्ट करना वे चाहते हैं।
बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हमारे मैस्कुलिन का हो गया है और मॉर्निंग से ही अपनी फेमिनिन को याद कर रहे हैं और भागकर अपनी फेमिनिन के पास आना चाहते हैं, बस उनसे परमिशन चाहते हैं, बहुत चाहत है। यहाँ एक अटूट बंधन वो अपनी फेमिनिन के लिए फील कर रहे हैं। डिवाइन द्वारा भी उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो उन्हें फेमिनिन की याद दिलाता है, उनकी ओर खींचता है। इतना ट्रू और डीप लव कनेक्शन है और उसे वह फील कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मिस अपनी फेमिनिन को कर रहे हैं कि उन्हें चैन ही नहीं मिल रहा है, जीना ही जैसे मुश्किल लग रहा है, कहीं भी उनका फोकस नहीं बन पा रहा है, बस फेमिनिन ही चारों ओर घूम रही है, बस डीप अटैचमेंट अपनी फेमिनिन से उन्हें हो रहा है। हालांकि फेमिनिन का भी यही हाल है, बट वो पास में किए उनके बिहेवियर के चलते अपने आप को कंट्रोल कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी मैस्कुलिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जब फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में होती हैं तो वह लो हो जाते हैं, और जब फेमिनिन लो होती है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, जिस कारण दोनों के बीच बैलेंस नहीं बन पा रहा है। एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, जिस कारण अपनी फीलिंग्स इमोशंस को वह जता नहीं पा रहे हैं। अब वो इतना ज़्यादा इंटेंस लव कनेक्शन को फील कर रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है उसे ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और रिश्ते में एक बैलेंस लाकर परमानेंट यूनियन चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चलना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग वाइफ्स के साथ ये सोच रहे हैं और अपनी फेमिनिन के साथ ऐसा पाना चाहते हैं कि फिर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, हम दूर ना हो पाए। एक ऐसी बॉन्ड बनाना चाहते हैं और सोच समझकर एक डिसीजन लेना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इस रिश्ते को लेकर आगे तक जाना चाहते हैं, अपनी फेमिनिन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ सोल्स ने मैरिड को मैनिफेस्ट किया है, सो रिलेशनशिप को अब अच्छे से वह हैंडल करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं और एक बैलेंस कर एक प्रपोजल के साथ कुछ सोल्स को मैरिज प्रपोजल भी मिल सकते हैं। और बहुत से मैस्कुलिन अब इस रिश्ते में मैरिज के लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। कुछ मैस्कुलिन जो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, अपनी फेमिनिन को रिजेक्ट किया था और थर्ड पार्टी से भी उन्हें तकलीफ ही मिली, जिस कारण वो फेमिनिन की तरफ देख रहे थे, रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ गए थे। आपकी आज की बात करूं तो मैस्कुलिन में वो ट्रस्ट अब बिल्ड हो रहे हैं, बिलीफ सिस्टम उनके चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। उनकी लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन की लाइफ में फाइनेंस इश्यू के चलते भी वे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण वे वह स्टक हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात यही कहना चाहूँगी, यह रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती, हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट आप रहते हैं, चाहे दूर हो या पास। सो इस टाइम हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एक इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और इन फ्यूचर इस रिश्ते को चाहते हैं, क्योंकि चाहत बहुत ज़्यादा है, बट जो सिचुएशन चल रही है वो ठीक नहीं है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन एक फियर में है कि कहीं मैं इस रिश्ते को खो ना दूँ, कहीं हमारे बीच दूरियां न आ जाएं, कहीं फेमिनिन अपनी लाइफ में आगे न बढ़ जाए। उन्हें यह भी डर है कि कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, किसी और को तो चूज़ नहीं कर लिया, बट वहीं फेमिनिन में ऐसा कोई डर नहीं है, उसे पता है कि यह मेरा है और मेरे पास ही इसे आना है, चाहे कितना भाग ले, घूम कर यहीं आना है। और दूर से भी मैस्कुलिन पर मैं नज़र बनाए हुई हैं और वहीं मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को एक पावरफुल पर्सन के रूप में देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में। फेमिनिन जानती है कि यह एक डिवाइन कनेक्शन है, यह कहीं नहीं जाने वाला, उनमें इनसिक्योरिटी नहीं है,
हालांकि मैस्कलाइन भी जानते हैं बट थोड़ा घबरा रहे हैं क्योंकि उनके चारों ओर बस कार्मिक ही हैं जो उससे निकलना उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं जिस कारण वह कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें यह रियलाइज है कि उन्होंने अपनी फेमिनिन के लिए कभी कोई स्टेप नहीं लिया है, बस प्यार ही किया है, कोई एक्शन इन्होंने कभी नहीं किया है और सेल्फिश होकर फेमिनिन को रिजेक्ट कर आगे भी बढ़े थे। बट यहाँ हमारी फेमिनिन ने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, इसलिए वो अपनी मैस्कुलिन की हरकतों इसलिए वह अपनी मैस्कुलिन की हरकतों को झेल पाई हैं, बट वो भी अब शांत हो गई हैं। उन्होंने भी अब बोलना छोड़ दिया है, आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिया है, कंप्लेंट्स करना छोड़ दिया है, बस शांत हो गई है। उसने खुद के लिए स्टैंड लिया है और एक चीटर सेल्फिश की इमेज उन्होंने अपने मैस्कुलिन के लिए बनाई, बट फिर भी लव करती है क्योंकि वो ना चाहकर भी उन्हें अनकंडीशनल लव करती हैं। तो दोस्तों, ऐसी एनर्जी जिन भी सोल्स की बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम जरूर करें। इस पॉजिटिव एनर्जी को यदि आप क्लेम करते हैं तो आपकी प्रेयर डिवाइन तक जरूर जाती है, तो एनर्जी को क्लेम करें अगर ये रेजोनेट हो रही है। तो दोस्तों, उन्होंने प्यार होते हुए भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं इस रिश्ते में। मैस्कुलिन यह जानते भी हैं कि फेमिनिन अब पहले जैसी इंटरेस्ट इस रिश्ते में नहीं शो कर रही हैं। जो इंटेंस लव कनेक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस अपने मैस्कुलिन को हमारी क्यूट फेमिनिन शो किया करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। प्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार है, चाहत है, मोहब्बत है, काफ़ी नहीं है, यह फेमिनिन सोचती है। एक्शन भी जरूरी है, अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना जरूरी है। यह फेमिनिन उन्हें ऑब्जर्व करते करते थक गई थी, उन्हें वो सब चीज़ें नहीं दिख रही थी, अब वह थक चुकी हैं, सो उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया है और शांत हो गई हैं। बहुत कुछ यहाँ फेमिनिन ने सहा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ वो कर चुके हैं, अब वो यही चाहती हैं कि अब जो कुछ भी करना है मैस्कुलिन को ही करना है, चाहे आगे बढ़ना ही क्यों ना हो, अब आना है तो उसे ही आना है, मैं नहीं जाऊंगी। अब उनकी बारी है इस रिश्ते में कुछ करने की, एफर्ट्स लगाने की और अपनी लाइफ पर फोकस वह कर रही हैं। यही सोच हमारी फेमिनिन की बनी हुई है। कुछ सोल्स की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही हैं, दोनों की एनर्जी सेम बनी हुई है, दोनों ही इस रिश्ते में रीयूनियन चाह रहे हैं, दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के चलते दोनों सोल्स रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, बट पास्ट एक्सपीरियंस इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो इस रिश्ते में हम सब सोल्स फील करती हैं कि यह रिश्ता पहला और आखिरी मोहब्बत है, क्योंकि आखिरी मोहब्बत वो होती है जिसके बाद किसी से कोई मोहब्बत ना हो, जिसके बाद किसी से चाहत ही ना हो, प्यार ही ना हो। आपको आखिरी मोहब्बत के बाद यह पता चल जाता है कि इससे पहले जो हुआ था मोहब्बत थी ही नहीं। यही है यह कनेक्शन, एक डीप लव कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल लेवल का कनेक्शन। तो इसे आप कभी ना भूलें, क्योंकि ऐसी मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती। तो अगर किसी इंसान या रिश्ते को परखना है तो कैसे परखा जाए? तो दोस्तों, हम गलती तब करते हैं, हम इंसान को तब आजमाते हैं जब वो हमारे पास होते हैं, जबकि रिश्ते दूरियों में परखे जाते हैं। आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। इस कनेक्शन को ऐवे ही ना लें, मैस्कुलिन को ब्लेम ही ना करते चले जाएं, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे बिहेवियर से ही हमें खुद के लिए स्टैंड लेने पर मजबूर करते हैं। हम सेल्फ लव में आते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं,
और एक डिसीजन पावर जो पहले हम में कभी नहीं होती थी। हम एक कन्फ्यूज माइंडसेट में रहा करते थे, अब हम एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल के रूप में निखरते हैं, तभी हम एक हीरे की तरह निखर कर आते हैं। सो उन्हें भी ब्लेसिंग्स दें। डिवाइन ने हमें एक ऐसा कनेक्शन दिया, चीज़ें खराब जरूर हुई हैं बट ठीक भी होंगी। सो पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारी दोनों सोल्स की बनी हुई है। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एनर्जी को क्लेम जरूर करें, क्योंकि जब आप एनर्जी को क्लेम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं और हम समझ पाते हैं कि हाँ, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।